शर्जील खान के मामले पर मोहम्मद हफीज़ के मौक़िफ़ की हमायत में भारत से भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने पाकिस्तानी ऑलराउंडर के करप्ट क्रिकेटर्स के बारे में मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया है। वो कहते हैं कि आप एक दो बासलाहियत क्रिकेटर से महरूमी तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी को जाने दिया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। याद रहे कि मोहम्मद हफीज़ ने ओपनर शर्जील खान के दागदार माजी की जानिब इशारा करते हुए सवाल उठाया था कि क्या सिर्फ सलाहियत की वजह से उनके माजी को भुला दिया जाएगा। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जेक्टिव वसीम खान ने ऑलराउंडर को ख़बरदार करते हुए कहा था कि वो सिलेक्शन मामलात पर तबसरा ना करें। इस हवाले से भारत के साबिक क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने कहा कि मोहम्मद हफीज़ को बात करने दें, उन्होंने एक अच्छा नुक्ता उठाया है। इन दिनों लोग इस हवाले से बात नहीं करते, जो एक मसला है। मोहम्मद हफीज़ दुरुस्त कह रहे हैं। उन्होंने अहम सवाल उठाया है कि क्या चीज़ ज़्यादा अहम है, टैलेंट या ईमानदारी। मेरे ख्याल में आप एक दो बासलाहियत क्रिकेटर्स का जाना बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर ईमानदारी को जाने दिया तो फिर पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। आकाश चोपड़ा ने मज़ीद कहा कि मैंने आईपीएल के पहले एडिशन में कोलकाता नाइट राइडर्स में मोहम्मद हफीज़ के साथ वक्त गुजारा है। वो फिक्सिंग जैसी चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते।